जैसे कि आप सबको पता है कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो कैरेटिन है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैरेटिन होती क्या है। कैरेटिन एक प्रोटीन है। प्रोटीन आपको पता है कि बहुत तरह तरह के प्रोटीन्स होते हैं, इवन जो हम चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, वो भी तो एक टाइप ऑफ प्रोटीन है ना, और जो रेड मीट होता है उसके अंदर भी प्रोटीन होती है, ठीक है। तो जो कैरेटिन है ये एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। प्रोटेक्टिव प्रोटीन का क्या मतलब हुआ, जो कि हिफाजत करती है, जो कि चीज़ों को महफूज रखती है। अच्छा, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें ये सबसे ज़्यादा होती है बॉडी में? एक तो हो गए हमारे बाल और दूसरे हो गए हमारे नाखून। इन दो चीज़ों में ये प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि जो हमारे बाल हैं उसमें 90% प्रोटीन है, और वो प्रोटीन कौन सी है, वो बेसिकली यही प्रोटीन है जिसको हम कैरेटिन कहते हैं, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कि जो कैरेटिन होती है ये किससे बनी हुई होती है, ये प्रोटीन किससे बनी हुई होती है। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो ज़्यादातर अमीनो एसिड्स जो हैं उनसे बनते हैं। ये भी अमीनो एसिड से बनी हुई होती है, लेकिन इसकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, ठीक है। इसकी शक्ल कैसी होती है, इसकी शक्ल जो है वो बंडल्स और फाइबर्स, ये जैसे धागे होते हैं ना, जैसे बंडल्स और फाइबर्स होते हैं, ये ऐसे पाइल अप हुए हुए बंडल्स एंड फाइबर्स से बनी हुई होती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मज़े की बात क्या है कि ये वाली प्रोटीन जो है ये एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो क्या करती है, जो फ्रिक्शन और रबिंग, यानी कि फ्रिक्शन जो भी रगड़ है उसके अगेंस्ट, और जो हम रबिंग को क्या कहते हैं, रब करना, जो रबिंग एक्शन है, जो फ्रिक्शन है और जो रबिंग एक्शन है उसके अगेंस्ट जो है ये रेजिस्टेंस पैदा करती है, ठीक हो गया। अब जैसे छोटी सी चीज़ आप देख लें, हमने बालों के ऊपर जो है ना वो एक रफ सा टॉवल ले लिया, टॉवल से जो वो ऐसे ऐसे करके अपने बाल साफ कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इस तरह की प्रोटीन होती है बालों की, जो कि बालों को महफूज रखने में, बालों को प्रोटेक्ट रखने में काम आती है। किस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, फ्रिक्शन में और रबिंग में। जैसे आप फ्रिक्शन दिए जा रहे हैं, फ्रिक्शन आप किसी भी चीज़ से दे रहे होते हैं ना, आप अपने ब्रश से दे रहे होते हैं, आप अपने कोम से दे रहे होते हैं, उसके अलावा रब करना, जैसे आप टॉवल से रब कर रहे हैं, किसी और चीज़ से रब कर रहे हैं, ये सारे के सारे एक्शंस, इवन जो आपके हीटिंग टूल्स हैं वो भी तो देखें ना, वो भी तो, इसको अगर ये रेजिस्टेंट नहीं होगी या ये अच्छी मिकदार में आपके बालों में नहीं होगी तो बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। हीटिंग टूल से भी ख़राब होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे बाल ख़राब होते हैं, ठीक है। ये फिलामेंट्स और फाइबर्स की फॉर्म में, ऐसे करके फिलामेंट्स और फाइबर की फॉर्म में पड़ी हुई होती है। ये जो फिलामेंट्स, ये धागे, ये फाइबर्स हैं, ये जुड़े हुए होते हैं आपस में, ठीक है। ये किस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, एक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि ग्लू की तरह का एक बॉन्ड समझ लें या ग्लू की तरह की चीज़ समझ लें, उससे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे हम इसका नाम लेते हैं, हम रीबॉन्डिंग बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो फिलामेंट्स हैं इनके दरमियान में ग्लू लगी हुई है जिसको हम बॉन्ड कह रहे हैं। जब बालों को स्ट्रेट किया जाता है या रीबॉन्डिंग की जाती है तो इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है और अपनी मर्जी से जोड़ दिया जाता है। तो आप खुद सोच लें कि जिसको तोड़ने के बाद, नेचुरल बॉन्ड को तोड़ने के बाद जोड़ा जाएगा तो उसमें कितनी स्ट्रेंथ होगी, उसमें कितनी पावर होगी। इसीलिए ये देखा जाता है कि बाल बहुत ज़्यादा जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं रीबॉन्डिंग या ऐसी चीज़ कराने से। जैसे सीधे बाल हैं तो आपने उसको कर्ल करवा लिया, यानी कि उसके जो जुड़े हुए बॉन्ड थे उनको तोड़ा और फिर अपनी मर्जी से जोड़ दिया। उसी तरह से अगर कर्ली या वेवी हेयर थे तो उसके ऊपर जो है वो आप स्ट्रेटनिंग करवा लेंगे तो भी बॉन्ड के साथ यही होगा। ये जो बॉन्ड है, ये जो ग्लू है, ये इस बॉन्ड को सल्फर टू सल्फर बॉन्ड कहते हैं, यानी कि इस साइड वाला सल्फर और इस साइड वाला सल्फर इसको जोड़ के रखता है, इन फिलामेंट्स को जोड़ के रखता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि आप सल्फेट्स वाले शैम्पू यूज़ ना करें, क्योंकि सल्फेट्स जब डले हुए होंगे शैम्पू में तो ये जो सल्फर टू सल्फर बॉन्ड है ये डिज़ोल्व होता है, ये ख़राब होता है। इसीलिए कहते हैं कि सल्फेट फ्री शैम्पूज़ यूज़ करें। ये आपको आई थिंक अब समझ आ रही होगी कि हम सल्फेट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमारे पास बाल के अंदर फिलामेंट्स जो जुड़े हुए हैं, बालों के अंदर जो कैरेटिन है, जो प्रोटीन है जिससे बाल बना हुआ है, उसमें जो फिलामेंट्स हैं वो आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो सल्फर टू सल्फर बॉन्ड है। जब आप सल्फेट्स यूज़ करते हैं, सल्फेट्स वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिसमें शैम्पूज़ हैं, कंडीशनर्स हैं, जो भी है, तो उससे क्या होगा, उससे आपके बाल का बॉन्ड जो है वो वीक होता है, ठीक हो गया। आई थिंक कि मैंने बड़ी तसल्ली से और बड़े क्या कहते हैं, डिटेल में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है अबाउट कैरेटिन, कि हम कैरेटिन का नाम क्यों लेते हैं और ये होती क्या है,
ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कि जो कैरेटिन है वो हम कैसे कैसे हासिल कर सकते हैं, बालों के लिए, नाखूनों के लिए जो कैरेटिन रिक्वायर्ड है वो हम कैसे कैसे हासिल कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो है वो अपनी डाइट में देखेंगे। डाइट में एग्स, अंडे जो हैं वो रिच होते हैं कैरेटिन में, वो ले सकते हैं। गाजर, कैरेट्स जो हैं वो रिच फूड है जो कि कैरेटिन जिसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा फिश की टाइप सैल्मन, सैल्मन का नाम आपने सुना होगा, पिंक सैल्मन होती है, डिफरेंट तरह की सैल्मन्स होती हैं, इसके अंदर जो है वो कैरेटिन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये वाली प्रोटीन बहुत होती है। इसके अलावा किसके अंदर होती है? इसके अलावा अनियंस में होती है, अनियंस यानी कि क्या कहते हैं, प्याज में। उसके साथ साथ जो है वो गार्लिक में होती है, यानी कि लहसुन में। तो इन चीज़ों के अंदर नेचुरली ये वाली प्रोटीन जो है ये बहुत ज़्यादा होती है। दो और चीज़ें हैं जिसके अंदर ये कैरेटिन बहुत ज़्यादा होती है, एक तो है चीज़ यानी कि पनीर, उसके अलावा है दही, योगर्ट। इन सब चीज़ों में, ये जो मैंने आपको खाने वाली चीज़ें बताई हैं, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कैरेटिन होती है। इसका मतलब है कि इनको कंज्यूम करना बहुत अच्छा रहता है अगर आप कैरेटिन को या कैरेटिन के लेवल्स को बेहतर रखना चाहते हैं। कैरेटिन जिस जहाँ पे भी बॉडी के अंदर कैरेटिन है या ये वाली प्रोटीन है, उसका एक ही काम है कि वो प्रोटेक्टिव प्रोटीन है, वो प्रोटेक्शन देती है उस चीज़ को, उस जगह को जहाँ पे ये होती है। और बालों के अंदर, क्योंकि बाल बना ही 90% प्रोटीन से है और वो प्रोटीन जो है वो कैरेटिन है, इसलिए कैरेटिन को बालों में अच्छी अमाउंट में रखना बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये मैंने आपको कुछ खाने या कुछ फूड्स बता दिए थे जो कि जिसके अंदर कैरेटिन जो है वो ज़्यादा है। अब हम आ जाते हैं कि हम बाहर से कैसे कैरेटिन ले सकते हैं। बालों में, नेल्स में, और जो स्किन होती है, जो स्किन है उसके अंदर एक प्रॉब्लम होता है। आप जो भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, जो भी चीज़ आप खाते हैं, वो सबसे पहले जो लार्जर ऑर्गन्स हैं, जो बड़े ऑर्गन्स हैं बॉडी के, सबसे पहले वो ले लेते हैं। और जो बचा हुआ, समझ लें, जो बची हुई चीज़ है, जो बचा हुआ माल है, वो आपके पेरिफ्री में जाता है, ठीक है, पेरिफ्री में जाता है, अपेंडिजेस बोलते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आता है, आपके बाल आते हैं, आपकी स्किन आती है और आपके नेल्स आते हैं। इसलिए स्किन में, नेल्स में और बालों में ऊपर से रिप्लेनिश करना किसी चीज़ को, ऊपर से किसी चीज़ को लगाना या ऊपर से किसी चीज़ को प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ खाना जो है वो काफ़ी नहीं रहता, बिकॉज़ खाया हुआ बिल्कुल सारी की सारी अमाउंट में या अच्छी अमाउंट में इन चीज़ों को, अपेंडेजेस को, स्किन, हेयर और नेल को नहीं मिल पाता, ठीक है। अब ऊपर से देने का क्या तरीका है? एक तो ये तरीका है कि आप कैरेटिन को या इस प्रोटीन को कम से कम डैमेज होने दें। कम से कम डैमेज करना है तो अवॉइड क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे आप हीटिंग टूल्स को, जिसके अंदर आपके हेयर स्ट्रेटनर्स आते हैं, आपके ब्लो ड्रायर्स आते हैं, उसके अलावा क्रिम्पर्स हैं, और पता नहीं आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे, बट ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके प्रोटीन को ख़त्म करती हैं, आपके प्रोटीन को डिप्लीट करती हैं, आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती हैं, डैमेज करती हैं, कम करती हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा गीले बाल जो हैं उनको बार बार रफली ब्रश करना। कोशिश करें कि आप अपने गीले बालों को ब्रश बहुत कम करें। आप फिंगर जो है उसको यूज़ कर लें, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रश करेंगे गीले बालों में तो वो आपके बालों की प्रोटीन, क्योंकि बाल उस वक्त बहुत सॉफ्ट हुआ हुआ होता है, फ्रिजाइल हुआ हुआ होता है, तो वो आपके बालों की प्रोटीन को डैमेज कर सकता है, आपके बालों की प्रोटीन को डिप्लीट कर सकता है, यानी कि कम कर सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि टॉवल जो है वो, अगर आप सॉफ्ट टॉवल यूज़ नहीं करेंगे, आपका टॉवल जो है वो बहुत हार्ड होगा, उसके ऊपर बहुत जो है वो हार्ड किस्म के ब्रिसल्स लगे हुए होंगे, तो उसकी वजह से भी आपके बालों की शाइन भी कम होगी, आपके बालों की प्रोटीन जो है वो डैमेज हो सकती है और डिप्लीट भी हो सकती है। मैंने देखा है लोगों को कि लोग अपने बाल उल्टे कर करके धोते हैं, उल्टे कर करके फिर उसको ऐसे ऐसे टॉवल से झटक के और उसके बाद उसको ड्राई करते हैं, ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। आपको ये वाला अपना जो जो स्टाइल है बालों को ड्राई करने का,
वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब आ जाता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम यूज़ करवाते हैं या यूज़ कर सकते हैं जिससे जो डेली बेसिस पे प्रोटीन कम हो रही है या डैमेज हो रही है वो जो है वो रिप्लेनिश होती जाए, वो वापस बाल में या बाल को मिलती जाए। वो क्या क्या हो सकता है? इसके अंदर डिफरेंट तरह के मास्क आते हैं, डिफरेंट तरह के शैम्पूज आते हैं, डिफरेंट तरह के जो हैं वो कंडीशनर्स आते हैं, फिर इसके साथ साथ जो है वो डिफरेंट तरह के सीरम्स आते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये रिप्लेनिश करती हैं आपके कैरेटिन को, आपके बालों की जो प्रोटीन है उसको। रिप्लेनिश करने का मतलब होता है वापस डालना उसको, वो उस चीज़ को वापस देना या उस चीज़ को पूरा करना। ठीक है। और डिप्लीट क्या होता है कि उस चीज़ का ख़त्म होना, कम हो जाना। जब वो कम हो रही होगी तो वो डिप्लीशन में है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे उसको वापस डालेंगे, रिप्लेनिश करेंगे, तो आपकी चीज़ बहुत अच्छी वेल मेंटेन रहेगी। ठीक हो गया। इसके साथ साथ क्या होता है? ये तो होता है कि जो आप डेली बेसिस पे दे रहे हैं, लेकिन ये अंदर नहीं रह सकता। जैसे आपने एक शैम्पू यूज़ किया है तो आप उससे ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ना रखें कि मैंने तो ये शैम्पू कैरेटिन वाला यूज़ किया है तो मेरे बाल को तो बिल्कुल सिल्की स्मूथ और फ्रिज फ्री हो जाना चाहिए। ठीक है। बट ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाल के अंदर शैम्पू नहीं जा सकता, वो एक हद तक जाता है एंड दैट्स इट, और फिर उसने ख़त्म भी हो जाना है। उसी तरह से कंडीशनर है, वो एक हद तक आपके बाल के अंदर जाएगा एंड दैट्स इट। उसके बाद वो उससे ज़्यादा जो है वो आपके बाल के अंदर नहीं रह सकता। जैसे कंडीशनर अगर आपने लगाया है और अच्छा रिजल्ट आता भी है, मिलता भी आपको, तो ये नहीं होगा कि आपने एक दिन कंडीशनर यूज़ किया था शैम्पू और कंडीशनर तो अगले तीन दिन वो उसी हालत में चलता रहेगा या आपका बाल उसी हालत में नज़र आएगा। ये नहीं हो सकता। पोल्यूशन होती है, डर्ट होती है, डस्ट होती है, उसके अलावा सनलाइट होती है, ये सब चीज़ें जो है। इसके अलावा ब्रश करना, ब्रश भी आपके प्रोटीन को जो है वो डैमेज करता है या डिप्लीट करता है, कम करता है। उसी तरह से इसका तरीका क्या फिर हो कि ये आपके बाल के अंदर चली भी जाए, डल भी जाए और उसके बाद कुछ अर्सा आपके बाल के अंदर रहे तो सही, चले तो सही। इस प्रोसेस या इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? इसको हम कैरेटिन इन्फ्यूजन कहते हैं। कैरेटिन इन्फ्यूजन क्या होती है कि हम आपके बाल को रिप्लेनिश कर देते हैं, भर देते हैं जितनी कैरेटिन की, कैरेटिन अंदर जाने की कैपेसिटी है या जितनी कैरेटिन उसके अंदर कम है वो सब आपके बाल को दे देते हैं। जब आपके बाल को वो दे देते हैं तो उसके बाद फिर आपके बाल जो हैं वो कुछ महीनों तक डिप्लीट नहीं होती उसके अंदर से कैरेटिन, और कैरेटिन की वजह से आपका बाल हेल्दी रहेगा, शाइनी रहेगा, स्मूथ रहेगा, फ्रिज फ्री रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, कैसे दी जाती है कैरेटिन इन्फ्यूजन? इसमें ये किया जाता है कि आपके बालों के पोर्स को ओपन कर देते हैं। बालों के पोर्स को ओपन करने के लिए डिफरेंट तरह के शैम्पूज होते हैं, उनका पीएच फर्क होता है जिसकी वजह से पोर्स ओपन हो जाते हैं। पहले हम उनको उसको यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने के बाद उसके अंदर कैरेटिन आप समझे कि हमने भर दी, हमने उसके अंदर बालों के अंदर कैरेटिन डाल दी। हर जो बाल है जो कि आपको फ्रिजी नज़र आता है या जिस तरह का भी बाल है, हर बाल के अंदर कितनी कमी है कैरेटिन की वो मुख्तलिफ होता है और उसी के हिसाब से वो कैरेटिन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। जब हम कैरेटिन को इन्फ्यूज़ कर देते हैं, बाल के अंदर डाल देते हैं, तो फिर हमने उसको सील कर देना है, यानी कि उसको बंद कर देना है। उसको सील इसलिए किया जाएगा कि अब ये बाहर ना निकल सके, अंदर ही बाल के भरी रहे। ठीक है। इस सारे प्रोसीजर को कैरेटिन इन्फ्यूजन कहते हैं। जो कैरेटिन इन्फ्यूजन है वो बहुत मुख्तलिफ है हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर से, ब्रिजिलियन ब्लो ड्राई से या फिर रीबॉन्डिंग से, इन सब चीज़ों से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें स्ट्रेटनिंग इन्वॉल्व नहीं है। जिस किसी भी प्रोसीजर में स्ट्रेटनिंग इन्वॉल्व होगी, याद रखें ये बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, जब स्ट्रेटनिंग की या स्ट्रेटनिंग का जो भी प्रोसीजर है उससे बॉन्ड तोड़ेंगे तो आप बाल सीधा कर सकेंगे, और हमने बॉन्ड को नहीं तोड़ना, हमने बॉन्ड को मजबूत करना है कि वो इतना मजबूत हो जाए कि हमारा बाल जो है वो ख़राब ना हो, हमारा बाल जो है वो बहुत अच्छा रहे। समटाइम्स बाल जो हैं वो वर्जिन हेयर होता है, यानी कि उसके ऊपर फैशन डाइज नहीं हुए हुए होते, ब्लीच नहीं लगी हुई होती है, और बाल जो है वो उसके ऊपर कोई और स्ट्रेटनिंग या रीबॉन्डिंग का प्रोसीजर भी पहले नहीं हुआ हुआ होता। ऐसे बालों के ऊपर हम कैरेटिन इन्फ्यूजन करते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड बिल्कुल कमज़ोर पड़ा हुआ है और बिल्कुल ही बाल जो है वो डैमेज है, जो कि ब्लीच से भी डैमेज हो सकता है, इसके अलावा आपके हीटिंग टूल से भी डैमेज होता है, हेयर स्ट्रेटनर बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, हेयर आयरन, उसके साथ साथ जो है
वो और आपके जैसे फैशन डाइज हैं वो भी डैमेज करते हैं। इसके अलावा ये जो आप स्ट्रेटनिंग के प्रोसीजर्स करवाते हैं सलोन बेस्ड जो होते हैं, जिसमें आप जो है वो परमानेंट स्ट्रेटनिंग करा लेते हैं या रीबॉन्डिंग कराते हैं, इन सब प्रोसीजर से आपकी कैरेटिन जो है वो ख़राब होती है, ज़ाया होती है और आपका बॉन्ड जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। ऐसे सारे के सारे बालों में हम कैराटॉक्स इन्फ्यूजन देते हैं। कैराटॉक्स इन्फ्यूजन में क्या होता है, उसमें कैरेटिन भी होती है और उसके साथ साथ बोटॉक्स भी होता है। कैरेटिन तो मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या करती है और हमने क्यों देनी है और उससे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। जो बोटॉक्स होता है वो बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, जो बॉन्ड डैमेज हो चुका होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ये वन टाइम प्रोसीजर होता है और इसको आपने जो रिपीट करना होता है, समटाइम्स तो ये होता है कि बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होता है तो हम उसको 3 मंथ्स पे एक दफ़ा दोबारा कर देते हैं, फिर वो अच्छे ड्यूरेशन के लिए चल जाता है। समटाइम्स ये होता है कि बाल जो है वो एक ही कैरेटिन इन्फ्यूजन से बहुत बेहतर हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, तो फिर हमें इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर हम 6 मंथ्स पे करते हैं। यूजुअली ये होता है कि आप जब एक या दो दफ़ा कैरेटिन इन्फ्यूजन दे चुके हुए होते हैं तो उसके बाद जल्दी जल्दी कैरेटिन इन्फ्यूजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ऐसे भी देखा गया है कि पूरा पूरा साल आपकी जो कैरेटिन है वो कैरेटिन ट्रीटमेंट चल जाती है। Nevertheless, इसके साथ आपने कैरेटिन बेस्ड प्रोडक्ट्स ज़रूर यूज़ करने होते हैं। मैं आपको थोड़े से प्रोडक्ट्स दिखाने लगी हूँ, आपने कैरेटिन करवाई हो या ना करवाई हो, आप करवाना चाहते हो या आप करवा चुके हुए हो, लेकिन ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपके यूज़ में रहेंगे, तो जो डेली बेसिस पे कैरेटिन डैमेज होती है, डिप्लीट होती है, वो नहीं होगी, वो रिप्लेनिश होती जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। ये देखें, ये कैराटॉक्स शैम्पू है, मैं करीब करती हूँ, आप देखें, ये कैराटॉक्स शैम्पू है। किसी भी किस्म का बाल हो, कलर ट्रीटेड हो, डाई किया हुआ हो बालों पे, पहले रिबॉन्डिंग हुई हुई हो या पहले बाल जो है वो डैमेज हो गया हुआ है, बाल जो है वो गिरता है या गिरता नहीं, बाल टूटता है, वो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कैराटॉक्स का शैम्पू है। इसके साथ ही जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कैराटॉक्स का कंडीशनर है। देखिए, ये कैराटॉक्स का कंडीशनर है। ठीक है, कोई भी ये कंडीशनर यूज़ कर सकता है, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है कि जी आप के बालों को ये नहीं, आपने कैराटॉक्स नहीं कराया हुआ तो आप यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ कैरेटिन केयर शैम्पू। ये देखें, ये कैरेटिन केयर शैम्पू है, कैरेटिन केयर शैम्पू है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने कैरेटिन कराई है वो यूज़ कर सकता है और कोई और यूज़ नहीं कर सकता। उसी तरह से जो है वो इसका कंडीशनर है। ये देखें, ये मैं आपको इसका कंडीशनर दिखा रही हूँ, ये कैरेटिन केयर कंडीशनर हो गया। ठीक है, कोई भी यूज़ कर सकता है। अब आ जाते हैं हम जो कलर ट्रीटेड बाल हैं, जैसे मेरे बाल भी जो हैं वो डाइड हैं, डाई हुए हुए बाल हैं, और ऑब्वियसली मैं उनको मेंटेन करने के लिए भी डाई दोबारा दोबारा करवाती रहती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जिनके ग्रे हेयर होते हैं, वैसे मेरे भी सारे के सारे ग्रे हेयर हैं, तो जो ग्रे हेयर होते हैं, जिन लोगों के बाल जो हैं वो वाइट हो जाते हैं यानी कि ग्रेइंग हो जाती है, उन लोगों को तो डाई करना ही पड़ता है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि जी आप जो हैं वो डाई करना छोड़ दें, हर कोई जो है वो ग्रे हेयर के साथ तो नहीं रह सकता या रहना पसंद करता। उन लोगों के लिए फिर ये है, ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है कलर केयर शैम्पू, इसके अंदर कैरेटिन भी है और इसके अंदर ये सल्फेट फ्री भी है। ठीक है, कलर केयर शैम्पू है ना, तो इसके अंदर कैरेटिन भी है और साथ में ये सल्फेट फ्री है, क्योंकि बॉन्ड जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं रहता, जिसकी वजह से हमने फिर ये यूज़ करना होता है। ठीक हो गया, और ये इसका कंडीशनर है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका कंडीशनर है, ये जो है ये कैरेटिन भी है इसके अंदर और ये कलर सेफ है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ जो है वो मैं आपको आज दो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के घर में यूज़ करने वाले मास्क दिखाने वाली हूँ। मास्क जो होता है वो क्या करता है, मास्क जो होता है वो बालों को धोने से, शैम्पू करने से पहले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पर डिफरेंट तरह के मास्क होते हैं। जो मास्क मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये दो तरह के हैं, एक तो एंटी स्ट्रेस मास्क है, जैसे आपके बाल जो है वो ट्रीटमेंट करा करा के या बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अंदर फ्रिज आ गया है, डैमेज हो गए हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग जो है वो कोई सब स्टैंडर्ड जो है वो जाके डाइज लगवा लेते हैं, जिसमें गंदी ब्लीच यूज़ हुई हुई होती है, सारे बाल जल चुके हुए होते हैं, झाड़ियाँ बने हुए होते हैं, टेक्सचर सारा ख़राब हो चुका हुआ होता है, ऐसे ऐसे हो चुके हुए होते हैं, बिल्कुल जैसे आपने किसी गंदे क्रेम्पर में से बाल निकाले हो। ठीक है,
ऐसा बाल जो है जो कि डाई से या किसी भी जो है वो सैलून के ट्रीटमेंट से, जिसके अंदर बालियाज आता है, जिसके अंदर ओम्ब्रे आता है, जिसके अंदर ब्लीच को यूज़ करने के बाद स्ट्रीक्स करना आता है, उसके अलावा स्ट्रेटनिंग आ जाती है, जैसे ब्राज़ीलियन ब्लो ड्राई है, जैसे रीबॉन्डिंग है, इन सब से जो बालों में जो बाल ख़राब हुआ वो होता है उसके लिए ये है। इसका नाम है, ये जो है ये बेसिकली 3 मिनट्स मास्क है। ये देखें, ये स्ट्रेस्ड हेयर के लिए मास्क है, ठीक है। इसके अंदर भी कैरेटिन है, कैरेटिन तो मैं आपको जो चीज़ दिखा रही हूँ उसके अंदर है, ठीक है। इस मास्क को कैसे अप्लाई करना होता है, पहले आपने अपना शैम्पू किया, शैम्पू करने के बाद आपने बालों के ऊपर ये मास्क लगा लिया। इट ओनली टेक्स 3 मिनट्स, ओनली 3 मिनट्स, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट्स लगते हैं। 3 मिनट्स के लिए आप इसको लगा रहने देंगे, उसके बाद आप इसे रिंस ऑफ कर देंगे। रिंस ऑफ करने के बाद आपने इसके ऊपर अपना जो नॉर्मल कंडीशनर है वो लगा लेना है, और कंडीशनर को जैसे 2-3 मिनट छोड़ते हैं और फिर माइल्ड सा रिंस ऑफ कर लेते हैं, वैसे आपने यूज़ करना है। इसको आप हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों के बॉन्ड को मजबूत करेगा, आपके बालों की शक्ल ही बदल देगा। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि इतना डैमेज बाल जो है उसने इतना अच्छा, इस मास्क ने इतने अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर लिया है, उसको बचा लिया है। अब मैं आपको दूसरा मास्क दिखाने लगी हूँ। ये मास्क जो है इसका नाम है 3 मिनट्स मिरेकल मास्क। ये देखें, इसमें भी कैरेटिन है, ये 3 मिनट्स मिरेकल मास्क है। ये मास्क जो है ये इतनी खूबसूरत चीज़ है कि इसका नाम जो है ना, वो किसी ने जो भी रखा है ना, वो जिसने भी रखा हुआ है उसने वाकई बहुत अच्छा नाम रखा हुआ है। इट इज़ एक्चुअली मिराक्यूलस मास्क, ये वाकई मिराक्यूलस मास्क है। कैसे है, लेट्स सपोज कि आपके बाल जो है वो इतने ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से फ्रिजी हुए हुए हैं, हीटिंग टूल्स की वजह से फ्रिजी हुए हुए हैं, किसी भी चीज़ की वजह से इतना फ्रिज आ गया है कि आपके बालों का टेक्सचर ही चेंज हो गया है, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज़ दिस। आप इसको, आप सोच नहीं सकते हैं कि मैं इसको वाकई यूज़ करने के बाद आपको बता रही हूँ कि ये वाकई एक मिराक्यूलस मास्क है। ये क्या करता है, इसने आपके बालों को इंस्टेंटली जो है वो कैराटिन दे देनी है, कैराटॉक्स दे देना है या कैराटिन दे देनी है, इसमें दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। इसका नाम ही जो है वो कैराटॉक्स हेल्दी हेयर 3 मिनट्स मिरेकल मास्क है। इसको आपने कैसे यूज़ करना है, इसको आपने जैसे आप अपना नॉर्मल शैम्पू करते हैं उस तरह से शैम्पू करेंगे, फिर गीले बालों में ये मास्क लगा लेंगे, और फिर इस मास्क को आपने 3 मिनट्स छोड़ना है। यस, सिर्फ 3 मिनट्स, ओनली 3 मिनट्स। 3 मिनट्स के लिए आप छोड़ेंगे, उसके बाद आप अपने बालों को रिंस ऑफ करें, और उसके ऊपर आप अपना जो जो नॉर्मल आपका कोई भी कंडीशनर होता है वो आप यूज़ कर लें। अगर आप इसके साथ कैरेटिन का शैम्पू करेंगे और कैरेटिन का कंडीशनर यूज़ करेंगे तो आप सोच नहीं सकते कि ये आपके बालों को कितना सिल्क की स्मूथ और कितना जो है वो फ्रिज फ्री, हेल्दी और शाइनी और बिल्कुल टेम। देखिए, जो डेड स्ट्रेट हेयर होता है ना, वो आपके फेस को सूट नहीं करते। वो क्यों सूट नहीं करते, बिकॉज वो आपके जो फीचर्स होते हैं उनको बहुत बड़ा शो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फ्लैट हो गया ना, वॉल्यूम खत्म हो जाता है, फ्लैट हो जाते हैं बाल। बट इन सब चीज़ों से बाल फ्लैट नहीं होते हैं, बालों के अंदर एक वॉल्यूम रहता है, बालों के अंदर फ्रिज खत्म हो जाता है और बाल एकदम शाइनी, स्मूद और हेल्दी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको मास्क दिखाने लगी हूँ, दिस इज फॉर हेयर ग्रोथ। ये मास्क डिफरेंट तरीके से लगेगा, ये हेयर ग्रोथ के लिए मास्क है, सॉरी, ये पीलिंग मास्क है। पीलिंग मास्क जो है वो आपके स्कैल्प के ऊपर जितना डेब्रिस इकट्ठा हुआ हुआ होता है, जितना गंद है, जितना कुछ पाइल अप, इवन शैम्पू भी पाइल अप होता है, कंडीशनर भी पाइल अप होता है, कोई भी चीज़ जो आप बालों पे लगाते हैं वो आपके सर की स्किन के ऊपर इकट्ठी होती रहती है। जिस तरह से फेस की स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है या हर जगह की स्किन को एक्सफोलिएट करना ज़रूरी है, उसी तरह से बहुत ज़रूरी होता है कि आप सर की स्किन को भी एक्सफोलिएट करें। अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, आपकी एब्जॉर्प्शन चीज़ों की कम हो जाएगी, आपके बाल ख़राब हो जाएंगे, बिकॉज वो ब्रीद ही नहीं कर सकती स्किन। तो दिस इज़ ए पीलिंग मास्क। पीलिंग मास्क ये वाला जो है, ये देखें, ये पीलिंग मास्क है। इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको वो लोग भी यूज़ करते हैं या हम लोग उनको भी यूज़ कराते हैं, जैसे क्लिनिक में आते हैं पेशेंट्स, तो उनको भी ये प्रिस्क्राइब करती हूँ मैं, जिनके सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है। क्योंकि जिनके सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है उनके सर में बहुत ज़्यादा ऑयल बन रहा होता है, और वो ऑयल जो है वो एक लेयर छोड़ता है या एक लेयर बना के रखता है आपकी स्कैल्प की स्किन पे, और फिर कोई मेडिसिन आपको दी जाए तो वो अंदर ही नहीं जाती, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होती। जब मेडिसिन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही तो आपको क्या रिजल्ट मिलना था। तो फिर लोग कहते हैं कि मैं तो शैम्पू भी यूज़ करता हूँ, मुझे किसी ने स्प्रे बताया, मुझे किसी ने कुछ और दिया, लेकिन ना मेरी डैंड्रफ जाती है और ना ही मुझे किसी ट्रीटमेंट से फ़र्क पड़ता है। वो इस उसका रीज़न ही ये होता है
कि डेब्रिस जो है वो आपकी स्किन पे इकट्ठा होता जाता है, इसको आपने शैम्पू करने से, ठीक है, ये एक्सफोलिएशन है, ये मास्क आपके स्कैल्प की एक्सफोलिएशन है, आपके स्कैल्प की स्किन की एक्सफोलिएशन करता है, इसको आपने शैम्पू करने से घंटा पहले या 2 घंटा पहले इस्तेमाल करना होता है। बिल्कुल ऑयल की तरह आप अपने सर पे लगा देते हैं, बालों पे नहीं लगाना, आपने अपने बेसिकली स्कैल्प पे लगाना है, स्किन पे लगाना है, सर की स्किन पे इसको आप लगा देते हैं, उसके बाद 1 घंटा या 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद आप अपने नॉर्मल तरीके से शैम्पू करेंगे, उसके बाद कंडिश्नर यूज़ करेंगे, उस तरह से आपने इसको यूज़ करना होता है। इसी का जो है वो, इसी का हेयर ग्रोथ मास्क भी आता है, मैंने तो एक ही आपको शो करी है जो कि पीलिंग मास्क है, इसी का हेयर ग्रोथ मास्क भी आता है। जो हेयर ग्रोथ मास्क होता है वो हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, उसको भी आप पहले ही लगाते हैं, उसको भी आपने शैम्पू करने से घंटा या 2 घंटा पहले लगाना होता है। ठीक हो गया, अब मैं आपको एक और मजेदार सा सीरम दिखाने लगी हूँ, ठीक है, इसको देखें आप, ये जो है ये भी कैराटॉक से रिलेटेड है, ठीक है, कैराटिन से रिलेटेड है। ये आपने जब नहा लिया, ड्रेसअप हो गए, तो गीले बालों में आपने फ्यू ड्रॉप्स लेके और इसको सारे के सारे बालों में ऐसे करके लगा देना होता है, ठीक है। ये हमें स्कैल्प में नहीं चाहिए, स्कैल्प में हमें नहीं चाहिए, ये हमें बालों पे चाहिए, तो ये आपने बालों के ऊपर लगाना होता है। आप देखेंगे कि आपके बाल जो हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग, कितने स्मूथ, शाइनी और हेल्दी होंगे, और इसको लगाने के बाद जब आप हीटिंग टूल यूज़ करते हैं तो उसका डैमेज भी कम होता है। ठीक हो गया,